अंजनी पुत्र हनुमान जी की आराधना तो सभी लोग करते हैं। उनके कष्ट हारक संकट नाशक हनुमान चालीसा का पाठ हर हिंदू के घर में किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है ये कब लिखा गया, इसकी उत्पत्ति कहां और कैसे हुई, इसकी रचना किस परिस्थिति में की गई? आज हम इसकी जानकारी आपको प्रदान करने जा रहे हैं। ये अकबर और तुलसीदास जी के समय की बात है। अब शाम ढलने को आई, रात को यहीं कहीं विश्राम कर सवेरे मथुरा के लिए निकलना ठीक रहेगा। अरे भाई देखो, आज हमारे गांव में तुलसीदास जी पधारे हैं। मैंने स्वयं उन्हें वृक्ष के नीचे विश्राम करते देखा है, चलो उनसे मिलकर आते हैं। जैसे ही लोगों को पता चला कि तुलसीदास जी आगरा में पधारे हैं, तो ये सुनकर उनके दर्शन के लिए लोगों का तांता लग गया। जब ये बात बादशाह अकबर को पता चली तो उन्होंने बीरबल को अपने पास बुलाया। बीरबल, चारों ओर लोग तुलसीदास की बातें कर रहे हैं, आखिर ये तुलसीदास है कौन? बादशाह, आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं वो महान राम भक्त हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है, मैं भी उनके दर्शन करके आया हूँ। जब तुम इसके दर्शन करने के लिए गए थे तो जरूर कुछ खासियत होगी उनमें, अब तो मेरे दिल में भी उनसे मिलने की ख्वाहिश जाग गई है, मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ। जाओ तुलसीदास को कहो मैंने उन्हें बुलाया है। बादशाह अकबर ने उसी समय अपने सिपाहियों की एक टुकड़ी तुलसीदास जी के पास भेजी और तुलसीदास जी को बादशाह का पैगाम सुनाया और बोले, तुलसीदास जी, बादशाह अकबर ने आपको याद किया है, इसलिए कल सवेरे आप लाल किले में हाजिर हों। मैं तो भगवान श्री राम का भक्त हूँ, मुझे बादशाह और लाल किले से क्या लेना देना, उनसे कह दो मुझे क्षमा कर। जब ये बात बादशाह अकबर तक पहुंची तो अकबर गुस्से में लाल पीले हो गए। जाओ जाकर इस गुस्ताख तुलसीदास को जंजीरों से जकड़ कर मेरे सामने लाओ, तुमने मेरा आदेश ठुकरा दिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब कहो कैदी बनकर तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे इसका कोई दुख नहीं, जो हुआ भगवान राम की कृपा से हुआ, आगे भी जो होगा उन्हीं की कृपा से होगा। ओह, तुमको बेहद घमंड है अपनी राम भक्ति पर, यदि सचमुच तुम्हारी भक्ति में इतनी शक्ति है तो कोई करिश्मा करके दिखाओ और अपने आप को आजाद कर लो। लोग मेरे बारे में जो समझते हैं उनकी श्रद्धा है, पर मैं तो अपने आप को सिर्फ भगवान श्री राम जी का एक छोटा सा भक्त मानता हूँ। वैसे भी मैं कोई जादूगर नहीं हूँ जो आपको कोई करिश्मा दिखा सकूं। सैनिक, इसको इसी तरह जंजीरों से जकड़ कर काल कोठरी में डाल दिया जाए। सैनिकों ने उन्हें कारागार में डाल दिया। तुलसीदास जी दुखी हो गए, परंतु प्रभु की कृपा मानकर उन्होंने इसे भी स्वीकार किया। दूसरे दिन भोर होते ही अचानक सैनिकों को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई पड़ी। जब उन्होंने नजरें उठाई तो आश्चर्य से उनकी आंखें फट गईं। आगरा के लाल किले पर लाखों बंदरों ने एक साथ हमला कर दिया। जिधर देखो उधर बंद, वो सैनिकों को नोचने सोचने लगे। सारे सैनिक भागने लगे, बंदरों ने पूरा किला तहस नहस कर दिया, लाल किले में त्राही त्राही मच गई। तब सैनिक भागते हुए बादशाह के पास गए। सारा माजरा सुन अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, ये क्या हो रहा है, इतने सारे बंदर एक साथ आए कहां से? हुजूर, आप करिश्मा देखना चाहते थे ना, तो देखिए प्रभु राम ने अपने सेवक को बचाने के लिए हनुमान जी की सेना भेज दी है। अकबर को अपनी भूल का एहसास हुआ, उसने तुरंत तुलसीदास जी को काल कोठरी से निकलवाया, उसकी जंजीरें खोल दी। अकबर ने तुलसीदास जी को अपने पास बुलाया। आखिर आपने ऐसा क्या किया जो बंदरों ने यहां हमला बोल दिया? मुझे बिना अपराध की सजा मिली, मैंने काल कोठी में भगवान श्री राम और हनुमान जी का स्मरण किया। मैं रोता जा रहा था और रोते रोते मेरे हाथ अपने आप कुछ लिख रहे थे। मुझे पता नहीं कि क्या लिखा, पर जब सवेरे मेरी लेखनी बंद हुई तब पता चला बंदरों का विशाल झुंड कारागार में आ पहुंचा। ऐसा क्या लिखा आपने
मैं भी देखना चाहता हूं। तब तुलसीदास जी ने कारागार से वो पुस्तक मंगाई जिसमें हनुमान जी की 40 चौपाइयां उन्हीं की प्रेरणा से लिखी गई थी। अकबर ने तुलसीदास जी की रचना पढ़ी और उनकी भक्ति को देखकर बहुत लज्जित हुआ और तुलसीदास जी से माफी मांगकर पूरी इज्जत और पूरी हिफाजत से मथुरा भिजवाया। कारागार से छूटने के बाद तुलसीदास जी ने लोगों से एक ही बात कही, जैसे हनुमान जी ने संकट की बेला में मुझे कारागार के कष्टों से छुड़वा कर मेरी सहायता की है, उसी तरह जो भी व्यक्ति कष्ट में या संकट में इस चालीसा का पाठ करेगा उसके कष्ट और सारे संकट दूर होंगे। इसको हनुमान चालीसा के नाम से जाना जाएगा। इस तरह हनुमान चालीसा की उत्पत्ति हुई। आज हनुमान चालीसा का पाठ जो भी करते हैं बजरंग बली उन्हें संकट मुक्त करते हैं। हनुमान जी को इसलिए संकट मोचन भी कहा जाता है।